हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। रेलवे में फिर से जो है नया वैकेंसीज लेके आया है, जिसमें टीसी एंड टीटी की भर्ती है। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ टीसी एंड टीटी की, जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे में टीसी एंड टीटी की जो रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आया है, इसमें अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो 11,000 वैकेंसीज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। 10th एंड 12th पास करके आप लोग यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, जिसका लास्ट डेट है 24th ऑफ अक्टूबर 2024। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पब्लिश कर दिया गया है, अगर आप लोग देखोगे तो उसका भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो रेलवे के अंदर, इस बार की सबसे बड़ी जो है फिर से टीसी एंड टीटी की रिक्रूटमेंट की अपडेट निकली है, तो चलिए देख लेते हैं ऑफिशियल अपडेट। एंड हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक। हाँ बोलो। तो दोस्तों, किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है चलिए देख लेते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि देख सकते हो एज क्राइटेरिया जो 18 से 33 एंड 18 से 36 ईयर्स तक के रखा गया है। टोटल जो है यहाँ पे 8,113 टोटल यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे तो 3,000 से आसपास जो है टीसी एंड टिकट क्लर्क की पोस्ट की ऑफिशियली नोटिफिकेशन जानकारी दिया गया है। यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे भी आपको अपडेट दिया गया है, चलिए उसका भी डिटेल आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो वो लोग ऑनलाइन में एप्लीकेशन आपका भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं बताऊँगा ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट दोनों ही होने वाला है, जिसमें आपको कंप्लीट करना होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सिविलिटी टेस्ट के अंदर आपको जो सिलेबस है उसका भी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो 10th पास करके आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। रेलवे के अंदर बहुत बड़ी भर्ती फिर से निकल के आया है, जिसमें फिजिकल टेस्ट भी होने वाला है टीसी के लिए, अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया 18 से 36 रखा गया है, यहाँ पे आपको एज सिलेक्शन भी मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को और भी बहुत सारे अपडेट दिया गया है, चले उसका भी डिटेल मैं बताऊंगा। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपीज़, बाकी पीडब्ल्यूडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस आपको यहां पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे आप लोगों को मैं बताया है, इसी के साथ आपको प्रिपरेशन भी लेना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग देख सकते हो। चलिए सीबीटी एग्ज़ाम के जो सिलेबस है उसका डिटेल मैं बता देता हूँ। सिलेबस जो है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के अंदर 40 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30, जनरल इंटरेस्ट 30, टोटल 100 मार्क्स के जो है एग्ज़ाम होने वाला है। एंड इसके ऊपर जो है 90 मिनट आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट जैसे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको यहाँ पे एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो जल्द से जल्द एप्लीकेशन कर सकते हो। इंडियन रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी मौका है, अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग सारे डिटेल देख के एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो स्टेट वाइज जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट की अपडेट निकल के आया है, तो इसी के ऊपर जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। हर एक डिवीज़न के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो। अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।